जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सपिशाहूनं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्व धर्माना जैनम जयतु शासनम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगल में मंगल करण बीते राग बेज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। देवसास गुरु के चरण वस्तु। ये पेज नंबर है 19, नहीं 18, पेज नंबर 18। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल द्वारा रचित यह उनकी महान अनुपम कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हम अभी कौन से शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य हैं, उनके वक्ता कैसे होने चाहिए, उनके श्रोता कैसे होने चाहिए, उस पर विचार कर रहे हैं। तो कल हमने श्रोता का स्वरूप जाना था कि श्रोता कैसे होने चाहिए। इससे पहले एक पेज पहले पेज नंबर 18, तो हमने जाना था श्रोता कैसे होने चाहिए, श्रोता का कैसा स्वरूप होना चाहिए। तो पंडित जी ने कल श्रोता का स्वरूप जो बताया था वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि किसके कैसे परिणाम हो, तो वो उसका कैसा बंध होगा, कैसा कार्य होगा, वो बताया था कल। तो कल उसमें एक चीज रह गई थी कि जैसे आगम में और ग्रंथों में भी श्रोता के बारे में आता है कि श्रोता कैसे होने चाहिए, तो एक जगह आता है कि श्रोता कैसे होते, मतलब श्रोता किस टाइप के होते हैं, किसको कैसा बंध होता है, जो पंडित जी ने बताया। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में हैं, हम श्रोता में कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पे होना चाहिए, तो हमारे परिणाम कैसे हैं उसकी हमको जानकारी मिलती है। तो जैसे एक जगह आता है कि एक श्रोता ऐसे भी हो सकते हैं कि जो जिनवाणी सुन रहे हैं रोजाना सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो गहित मित्तात को नहीं छोड़ पा रहे, अपनी कषायों को नहीं छोड़ पा रहे, कषाय उनकी जैसी की तैसी बनी हुई है, गहित मित्तात जैसा का तैसा बना हुआ है। जिनवाणी डेली सुन रहे हैं लेकिन ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं, मीन्स वो जिनवाणी जो है वो उनके अंदर प्रवेश ही नहीं कर रही है। जैसे पाषाण होता है उस पे कितना भी पानी हम डाल लें लेकिन वो पानी पाषाण में अंदर प्रवेश नहीं करता, उसी तरह से ये श्रोता उसी पाषाण की तरह है कि जिस पर हम जिनवाणी जिनेंद्र की वाणी रूपी पानी को कितना भी डाल लें लेकिन वो पानी उसके उनके अंदर नहीं जा रहा। थोड़ी सी कठिनाई आई और देवी देवताओं का सहारा ले लिया, जो भी गहित मिथ्यात्व तो है कुदेव को गुरु को शास्त्र का सहारा ले लिया, तो ऐसी परिणति भी किसी श्रोता की हो सकती है। तो हम तो ऐसे श्रोता में नहीं है, हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम तो इस कैटेगरी में नहीं है। एक जगह पर एक कैटेगरी और आती है श्रोताओं की, जहां आचार्यों ने श्रोता को फूटे घड़े की उपमा दी है कि जैसे फूटा घड़ा होता है कि उसमें आप कितना भी पानी डालो पानी अंदर जाता तो है लेकिन वो पानी अंदर रुकता नहीं है, किसी
घड़ा फूटा हुआ है तो पानी बाहर निकल जाता है, कहीं वैसा तो हमारे साथ नहीं है कि हम जिनवाणी रूपी पानी हमारे अंदर जा रहा है लेकिन हम उसको निकाल देते हैं, जैसे एक एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया हो, कहीं हम उस कैटेगरी में तो नहीं आते हैं। फिर और जगह बहुत तरह से आते हैं कि जैसे कहीं पर सर्प की उपमा भी दी है कि श्रोता ऐसे भी हो सकते हैं सर्प की तरह कि उनको कितना भी अमृत पिलाओ लेकिन वो विष ही छोड़ते हैं, तो ऐसे ही कितना भी उनको जिनवाणी का पान कराओ, कितना भी जिनवाणी सुनाओ, कितनी वो जिनवाणी सुने लेकिन वह क्रोध मान आदि कषाय रूप और द्वेष रूप भाव को ही छोड़ते हैं, मीन दूसरों का बुराई चाहते हैं, दूसरों का द्वेष करते हैं, मन में मायाचारी रखते हैं और दूसरों का द्वेष करते हैं, दूसरों का बुरा करना चाहते हैं। और कहीं पर तोता जैसी उपमा भी मिलती है कि जैसे तोता होता है तो उसको जैसा रटा दिया जाए वो वैसा ही बोलता है लेकिन वो उसका मीनिंग नहीं जानता कि तोता को किसी ने पिंजरे में रखा, उसको उसने सुना दिया, उसको उसने रटा दिया कि कोई आए तो ऐसा बोलना है, कोई जाए तो ऐसा बोलना है, तो वो ऐसा बोलता है लेकिन वो उसका मीनिंग नहीं जानता। उसी तरह से कोई श्रोता ऐसा भी हो सकता है कि जो जिनवाणी को तो सुने, जिनवाणी को सुन के याद भी कर ले लेकिन परमार्थ नहीं जानता हो कि उसने जिनवाणी को सुना, उसको याद भी कर लिया लेकिन उसका भावार्थ क्या है, उसमें आचार्य और केवली भगवान क्या कहना चाह रहे हैं और उसका परमार्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो नहीं जानता, ऐसा भी कोई श्रोता हो सकता है। तो इन सारी चीजों के हमको ये देखना चाहिए कि हम किस श्रोता की कैटेगरी में आते हैं। कहीं पर मिट्टी की उपमा भी मिलती है श्रोताओं की कि जैसे मिट्टी होती है कि मिट्टी में पानी हमने डाला तो जितनी देर उसमें पानी है उतनी देर वो मिट्टी गीली रहती है, और जब पानी खत्म हो गया तो जैसी पहले थी वैसी हो जाती है। तो हम तो खैर इस कैटेगरी में नहीं आते कि जिनवाणी सुनी, जितनी देर हमने जिनवाणी को सुना उतनी देर हमारे परिणाम उत्कृष्ट रहे, उतनी देर तो हमारे परिणाम ऐसे रहे कि जैसे वैराग्य रूप, और जैसे ही सुनना बंद किया और भोगों में फंस गए, भोगों में लग गए, तो कहीं इस कैटेगरी में तो हम नहीं आते हैं। तो इस तरह से हमें विचारना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं और कैसा श्रोता हमको होना चाहिए। इन सब चीजों का हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए इस चीज पर। अभी देखो पंडित जी आगे क्या कह रहे हैं कि ये इससे पहले वाला पेज निकालो, इससे जस्ट पहले वाला पेज नंबर 18 में लास्ट पैराग्राफ, उसमें पंडित जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता बता रहे हैं कि यह जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है इसकी सार्थकता क्या है। तो सबसे पहले सार्थक का मीनिंग क्या होता है, सार्थकता मीन्स पंडित जी इसमें क्या बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। देखो एक सार्थक, सार्थक में जो सा है वो है उपसर्ग और अर्थ सहित, तो अर्थ का मतलब क्या होता है प्रयोजन, तो और सा का अर्थ क्या होता है सहित, तो सार्थकता मीन्स उस प्रयोजन की सहित, मीन्स प्रयोजन की सिद्धि होती हो कि इस ग्रंथ से हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी, पंडित जी यहाँ ये बताने वाले हैं। क्योंकि आगे पंडित जी अब ये पहले अधिकार का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद पंडित जी दूसरा अधिकार स्टार्ट करेंगे और उसमें संसार अवस्था का स्वरूप आदि से स्टार्ट करेंगे भूमिका बताने के बाद। पहले अधिकार जो ये था पूरी इसमें क्या थी, भूमिका थी। तो पंडित जी इसमें ये बताने वाले हैं अब लास्ट में कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ को पढ़ने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी। और पंडित जी प्रयोजन पहले बता के आए हैं कि वीतराग विज्ञान रूप होना ही हमारा प्रयोजन है और कोई भी हमारा प्रयोजन नहीं है। तो उस वीतराग विज्ञान रूप होने की सिद्धि इस ग्रंथ से कैसे होगी उसके बारे में पंडित जी यहाँ बताएंगे। देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी, अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं उसकी सार्थकता दिखाते हैं कि अब मैं यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रच रहा हूं तो इसकी सार्थकता दिखाता हूं कि ये सार्थकता इसकी कैसे है, इसके द्वारा प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी। तो
देखो हमारा प्रयोजन क्या है, जैसे पंडित दौलताराम जी ने बताया है पहली धार में, जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु करुणा धार। तो जो तीन भुवन में अनंत अनंत जीव हैं, वो सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो हमारा प्रयोजन क्या है, सुख की प्राप्ति और दुख को दूर करना। तो उस प्रयोजन की सिद्धि इस ग्रंथ से कैसे होगी, वो पंडित जी यहां बताने वाले हैं। देखो आगे क्या लिख रहे हैं पंडित जी, इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न, जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं, तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी, इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं। संसार अटवी मीन्स, देखो पंडित जी ने यहाँ इस वाले पैराग्राफ में उपमा अलंकार लिया है बहुत ज्यादा, तो हरजी के पंडित जी ने उपमा अलंकार को पूरे तरह से फिट करके दिया है। इस संसार अटवी में, मीन्स अटवी मतलब होता है जो अटा हुआ, मीन्स ढका हुआ, या हम बोल सकते हैं जैसे एक भयानक जंगल जो बहुत ज्यादा पेड़ों से और उससे ढका हुआ है, ऐसा भयानक जंगल। तो जो ये संसार है वो कैसा है, वो एक भयानक जंगल की तरह है। तो इस संसार अटवी में, देखो भयानक जंगल क्यों यूज में लिया, इसका भी है ना आगे इसको यूज में लेंगे इस उपमा अलंकार को ही। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न, जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं। देखो पंडित जी ने ये नहीं लिखा जो कर्म से उत्पन्न, कर्म निमित्त से उत्पन्न, इसका मीनिंग है कि जो कर्म है वो तो निमित्त मात्र है, वास्तव में तो जो हम दुखी हो रहे हैं उसका कारण हम स्वयं हैं, वो हमारी स्वयं की भूल के कारण ही हम दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए कर्मों को दोष देना तो हमारी बहुत बड़ी भूल है, हम कर्मों को दोष दे देते हैं कि क्या करें, कर्म का उदय ही ऐसा है, कर्म का उदय हमारा ऐसा है, कर्म हमको ऐसा नहीं करने देता है इत्यादि। एक है ना जीव की अनादि से ऐसी वो बनी हुई है टेंडेंसी उसकी कि वो दूसरों को ही आरोपित करता है, वो कभी भी अपने आप पे आरोप नहीं लेना चाहता कि मैं गलत हूं। अनादि से जीव की ऐसी ही बनी हुई है कि वो कभी कर्म को आरोप देता है, कभी दूसरे जीवों पर आरोप लगाता है, मीन्स कोई भी कार्य हो वो उसमें आरोप दूसरों को ही देता है। तो ये जीव की टेंडेंसी बनी हुई है अनादि से, तो वो तो इसीलिए कर्मों को दोष देना हमारी भूल है, इसलिए पंडित जी लिख रहे हैं। देखो पंडित जी ने इस पूरे ग्रंथ में एक एक वर्ड को बहुत सोच समझ के और बहुत सही तरीके से यूज में लिया। कर्म निमित्त लिखा है, मीन्स कर्म नहीं लिखा कि लोग उसको गलत ना, उसका अर्थ गलत ना ले लें, इसलिए पंडित जी ने लिखा कि कर्म निमित्त से उत्पन्न, कि कर्म उसमें निमित्त रूप है, ऐसे नाना प्रकार के दुखों से इस संसार रूपी भयानक जंगल में जो अनंत अनंत जीव हैं वो सभी दुख से दुखी हो रहे हैं, तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है। कहाँ पे, वहां, वहां कहाँ, भयानक जो संसार रूपी भयानक जंगल है उसमें मिथ्या रूपी अंधकार पूरी तरह से फैला हुआ है। देखो जैसे हम किसी जंगल में, भयानक जंगल हो जिसमें अजीबोगरीब आवाजें आ रही हों, जीव जंतु बहुत ज्यादा हों, और ऐसे में एक अंधकार में, अंधकार इतना ज्यादा हो कि हमें रास्ता भी नहीं सूझ रहा हो कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, तो उस समय जीव की कैसी कंडीशन होती है, वैसी कंडीशन ही हमारी है कि उस संसार रूपी भयानक जंगल में हम हैं, और ये कर्म निमित्त रूप होके, जैसे जंगल में जीव जंतु आदि निमित्त रूप है कि उनकी आवाज आदि से, उनकी गर्जना से, उनको देख के हमें जो दुख हो रहा है तो वहां पे वो निमित्त रूप है, वैसे ही यहाँ कर्म निमित्त रूप है, और उस संसार रूपी भयानक जंगल में जो हम जीव हैं वो उस कर्म रूपी निमित्त से नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। देखो पीड़ित हो रहे हैं दुख से वो ठीक, अब वो दुख से दुख को दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजन है ये
कि वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है। देखो एक तो जंगल में हम जहां पर जंगल हो लेकिन अंधेरा नहीं हो तो हमें रास्ता दिख सकता है कि हम कहां से होके जाएं कि हम जंगल से बाहर निकल जाएं, लेकिन यदि वहां अंधेरा बहुत ज्यादा छाया हुआ हो तो हमको रास्ता भी नहीं दिखता है। ठीक वैसा ही यहाँ पर है कि हम संसार रूपी भयानक जंगल में खड़े हुए हैं और मिथ्या रूपी अंधकार पूरी तरह से वहां व्याप्त है हम पे, और उस अंधकार में हमको इस दुख से मुक्त होने का मार्ग नहीं मिलता कि हमको मार्ग दिखाई नहीं देता। जो ये मिथ्या अंधकार है वो हमको उस मार्ग को देखने नहीं देता, इसीलिए तरफ तरफ कर वहां ही दुख को सहते हैं। अब हम मार्ग नहीं पा रहे हैं तो जीव वहीं पर तरफ तरफ कर दुख को सहते हैं, क्योंकि दुख तो वहां है ही। इसीलिए ये तो मिथ्या अंधकार मीन्स जो मिथ्यात्व है, जो दर्शन मोहिनीय कर्म है, मुख्य वही इस संसार भ्रमण का कारण है, क्योंकि दर्शन मोहिनीय कर्म ही हमें दुख से मुक्ति का जो मार्ग है उसको दिखने नहीं देता, उसको वह पता नहीं करने देता कि मार्ग क्या है। वो हमको विपरीत रूप मार्ग बता के, विपरीत मार्ग में चला के उस मार्ग से भटकाता रहता है। इसीलिए देखो ये भी है ना निमित्त रूप कथनी है कि दर्शन मोहिनीय कर्म के कारण, क्योंकि यदि कर्म ही बलवान हो जाए तो फिर कर्म से मुक्त कैसे होंगे। तो ये भी निमित्त रूप कथन है कि दर्शन मोहिनीय संसार भ्रमण का मुख्य कारण है। वास्तव में तो हमारी भूल है, उस भूल में वह दर्शन मोहिनीय कर्म निमित्त है कि वो दर्शन मोहिनीय के कारण हमारी जो श्रद्धा है वो विपरीत रूप परिणमित हो रही है। वो जो जैसा है वो वैसा ना मान के उसकी विपरीत मान रही है। देखो हम मिथ्या ये दर्शन मोहिनीय कर्म कैसा है, हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं लेकिन उस पुरुषार्थ को वह अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। जैसे छेडाला की चर्चा में उदाहरण लिया था हमने कि जैसे किसी को दसवीं कक्षा में पास होना है तो उसने जान लिया कि हाँ पास होने के लिए पढ़ना जरूरी है, हमको पढ़ने का पुरुषार्थ करना है तभी हम उस क्लास में पास हो पाएंगे। लेकिन अब यदि वह जीव आठवीं क्लास का सिलेबस को पढ़े, दिन रात मेहनत करे और आठवीं क्लास के सिलेबस को पढ़े तो दसवीं क्लास को वह पास नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पुरुषार्थ तो उसने किया लेकिन उसने वह पुरुषार्थ विपरीत दिशा में किया। जहां पर वो करना चाहिए था दसवीं का सिलेबस पढ़ना चाहिए था, उसने वह नहीं पढ़ के आठवीं का सिलेबस पढ़ा। तो ठीक वैसा ही हम भी इस दर्शन मोहिनी कर्म के कारण मिथ्यात्व रूपी अंधकार में फंसकर पुरुषार्थ करते भी हैं तो कुछ डायरेक्शन में करते हैं। इसीलिए ये दर्शन मोहिनी कर्म तो नष्ट करने का हमें निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारी श्रद्धा कब सम्यक रूप हो। तो ऐसा वह मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है वहां पे, उस कारण से मुक्ति का मार्ग हमको नहीं मिल पाता और तरफ तरफ कर वहां ही दुख को सहते हैं। देखो पूरा पंडित जी ने तीन लाइनों में जीव का प्रयोजन क्या है जो पंडित जी दिखाने वाले हैं सार्थक था कि ग्रंथ से प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी, तो उसमें पहले पंडित जी प्रयोजन बता रहे हैं कि जीव का प्रयोजन क्या है और उस प्रयोजन की सिद्धि ग्रंथ से कैसे होगी। तो पंडित जी ने देखो तीन लाइन में कितना कुछ बता दिया, उसका प्रयोजन भी बता दिया, उसका कारण भी बता दिया, उसका उपादान कारण भी बता दिया, उसका निमित्त कारण भी बता दिया। तो देखो कितने मतलब पंडित जी की लेखनी कितनी सरल और कितनी सारभूत है कि तीन लाइनों में उन्होंने पूरा निचोड़ भर दिया उसमें कि वो उसका जीव का प्रयोजन क्या है, जीव दुखी क्यों हो रहा है, उसमें निमित्त कारण क्या है, उपादान कारण क्या है, जीव मुक्ति का मार्ग क्यों नहीं पा रहा है, वो सारी चीजें बता दी। तो देखो ऐसा ये तो संसार रूपी भयानक जंगल में अनंत जीव हैं, कर्म निमित्त से वो दुखी हो रहे हैं, मिथ्या रूपी अंधकार वहां फैला हुआ है जिसके कारण वो मार्ग नहीं पा रहे मुक्ति का मार्ग, और तरफ तरफ कर वहां ही दुख को सह रहे हैं। का भला होने के कारण भूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। देखो पूरी उपमा अलंकार एक चीज से कनेक्टेड है। तो संसार अटवी यूज में लिया कि भयानक जंगल
उस भयानक जंगल में मिथ्या रूपी अंधकार फैला हुआ है। अब जीवों का भला कब होगा? जब वहां पर सूर्य का उदय हो जाए। तो इसलिए पंडित जी कह रहे हैं कि ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ, कि केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ जो उस मिथ्या रूपी अंधकार को मिटाने में कारणभूत है। और देखो आगे और क्या उपमा दे रहे हैं पंडित जी, केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ उनकी दिव्य धनि रूपी किरणों के द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। देखो केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय और केवली भगवान रूपी सूर्य की दिव्य धनि रूपी किरणों के द्वारा वहां से, कहां से, जो संसार रूपी भयानक जंगल में जीव मिथ्या अंधकार में खड़े हुए हैं, मीन जो अंधकार में मिथ्या रूपी अंधकार में खड़े हुए हैं, उनको मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए उस जो जंगल है, जंगल से बाहर निकालने का मार्ग दिखाने के लिए केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ और उनकी दिव्य धनी रूपी किरणें वहां तक पहुंची, मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया। तो ऐसा पंडित जी ने कहा कि ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ उनकी दिव्य धनी रूपी किरणों के द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। देखो पंडित जी देखो हर चीज को ध्यान में रख रहे हैं, तो उसी एग्जाम्पल को आगे देखो कैसे बता रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं, उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है। कि देखो जो सूर्य का उदय होता है तो सूर्य को ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग का प्रकाशन करूं, मैं अंधकार का नाश करूं, ऐसे सूर्य को कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सहज ही निमित्त नैमित्तिक रूप संबंध बनते हैं कि उसकी किरणें फैलती हैं और मार्ग का प्रकाशन होता है। लेकिन मार्ग का प्रकाशन सूर्य के द्वारा होने पर भी उस सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग को प्रकाशित करूं। जो मेन पॉइंट है पकड़ने का वो यह है कि इच्छा सूर्य को नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य के द्वारा ही मार्ग का प्रकाशन हो रहा है। और व्यवहार में कहने में भी यही आता है कि सूर्य मार्ग का प्रकाशन करता है, तो ऐसा ही कहने में आता है कि तीर्थंकर केवली भगवान मुक्ति का मार्ग बताते हैं, मुक्ति के मार्ग को प्रकाशित करते हैं, लेकिन उनके ऐसी इच्छा नहीं है सूर्य की कि मैं मार्ग को प्रकाशित करूं, मैं अपनी किरणों को फैला के अंधकार को नाश करके इस मार्ग का प्रकाशन करूं, लेकिन सहज ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य की इच्छा नहीं है फिर भी मार्ग का प्रकाशन उसके द्वारा होता है, उसी प्रकार केवली वीतराग है। उसी प्रकार केवली कैसे हैं? वीतरागी हैं। वीतराग विज्ञान की पूर्णता लिए हुए हैं, तो उनको भी कोई राग द्वेष नहीं है, उनकी भी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। उसी प्रकार केवली वीतराग हैं, इसीलिए उनको ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें, परंतु सहज ही वैसे ही अघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप उद्गल दिव्य धनी रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। कि देखो केवली भगवान भी वीतराग हैं, उनको भी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें, क्योंकि वो तो इच्छाओं से रहित हो गए हैं, तो उनको कोई इच्छा नहीं है कि हम मुक्ति का मार्ग प्रकाशन करें, परंतु सहज ही निमित्त नैमित्तिक रूप संबंध बनते हैं, भव्य जीवों का पुण्य जागता है। स्तुति में आता है ना, भवि भागन बच जो गए वसा है, तुम धुनि है सुनि ब्रह्म नशा है, कि वो तो भव्य जीवों का ऐसा पुण्य जागता है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाते हैं कि सहज ही वैसे ही अघाती कर्मों के उदय से उनका जो शरीर रूप उद्गल है वो ओमकार मई दिव्य धनी रूप परिणमित होता है और उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। देखो अघाती कर्मों के रहने पर, मी घाती कर्मों का नाश हो गया, अघाती कर्मों के उदय से दिव्य धनी का परिणमन होता है। तो देखो अघाती कर्म घाती कर्मों के साथ नष्ट ना होके
थोड़ा बाद में नष्ट होते हैं, ये हम जैसे जीवों के लिए एक हम कहें कि फायदे की बात है कि यदि मान लो घाती कर्मों के साथ ही साथ अघाती कर्मों का भी नाश हो जाता तो हमको दिव्य ध्वनि कैसे मिलती सुनने को। तो ये जो अघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप उद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है। या ऐसा नहीं जानना कि अघाती कर्म अच्छे हैं, वो जिस अपेक्षा से कथन है वो अपेक्षा जानना, बस कहने का मीनिंग यही है कि वो घाती कर्म के साथ नष्ट हो जाते तो हमको दिव्य ध्वनि सुनने को नहीं मिलती, बस इतना प्रयोजन जानना, अघाती कर्म अच्छे हैं ऐसा नहीं जानना। परंतु सहज ही वैसे ही जैसे सूर्य की इच्छा नहीं है लेकिन सहज ही किरणें फैलती हैं, उसी तरह जो केवली भगवान है उनकी भी दिव्य ध्वनि रूपी किरणें फैलती हैं और उसके द्वारा सहज रूप से मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। देखो यहां तक तो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन हो गया, लेकिन आगे पुनश्च और गणधर देवों को यह विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे। कि जैसे किसी को विचार आए कि अभी तो सूर्य का उदय है, दिन का समय है, लेकिन जब रात हो जाएगी, जब ये सूर्य अस्त हो जाएगा, उस समय ये जो जीव है जो इस जंगल में भटक रहे हैं वो जंगल से मुक्त होने का मार्ग कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसी तरह से गणधर देवों को विचार आया कि अभी तो केवली रूपी सूर्य का उदय है, उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों के द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन हो रहा है, लेकिन जब केवली रूपी सूर्य का अस्तपना हो जाएगा, जब यह केवली रूपी सूर्य अस्त हो जाएगा तब यह जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे। और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे, क्योंकि जो सुख है वो तो मुक्ति मार्ग में ही है। जैसे तीसरी डाल में आता है कि आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहीनता ते शिव मग लागो चाहिए। जो आकुलता है वो शिव मार्ग में नहीं है, तो मुक्ति का मार्ग ही ऐसा है जिसमें सुख है। तो यदि मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा तो जीव दुख ही सहेंगे, इसीलिए जब केवली रूपी सूर्य का अस्त हो जाएगा तब यह जीव मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसा गणधर देवों को विचार आया। और ऐसे विचार से करुणा बुद्धि होके, ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथ वे ही हुए महान दीपक उनका उद्धोत किया। कि जैसे जब सूर्य का अस्त हो गया तो रात्रि के समय अंधकार में मार्ग दिखाने के लिए दीपक जलाए जाते हैं कि दीपक के सहारे से मार्ग देखा जाता है, उसी तरह गणधर देवों ने द्वादशांग की रचना की, अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथों ग्रंथ रच के वो रच, और उनकी क्या उपमा दी पंडित जी ने, महान दीपक उनका उद्धोत किया, मीन्स उन दीपकों को जलाया, ऐसे महान दीपक को जलाया करुणा बुद्धि से। तो गणधर देवों को जब ये विचार आया कि जब केवली रूपी सूर्य का अस्त हो जाएगा तो मुक्ति का मार्ग प्रकट करने के लिए ऐसे महान दीपकों को जलाया जाए, तो ऐसी करुणा बुद्धि से कि जीव इसके बिना दुख सहेंगे तो वो दुख से दूर होने का मार्ग प्राप्त कर सकें, ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णक आदि ग्रंथ की उन्होंने रचना की। पुनश्च जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्य आदिकों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए और फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए। देखो जैसे किसी ने एक दीपक जलाया, उस दीपक से किसी दूसरे ने दीपक जलाया, उस दूसरे दीपक से किसी तीसरे ने दीपक जलाया, तो इस तरह से वो दीपकों की परंपरा चलती रहती है कि एक ने जलाया, उससे दूसरे ने जलाया, उससे तीसरे ने जलाया, उससे चौथे ने जलाया। तो इस तरह से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है। देखो पूरे इस पैराग्राफ में, पूरे टॉपिक में उपमा एक ही दी है, अंधकार की उपमा, उसी उपमा से ये पूरा कनेक्शन होके आ रहा है। मैं कितनी प्रबल बुद्धि है पंडित टोडरमल जी की, कि हमको है ना बहुमान आना चाहिए उनका, ये हर चीज को पढ़ने से, कि उनकी
जो बुद्धि है उनका जो सक्षम था, उनका जो करुणा बुद्धि थी, तो इत्यादि सारी चीजें कितनी मतलब शब्दातीत है उनकी महिमा, पंडित गोदावरी जी की महिमा भी शब्दातीत है कि क्या कहें उनके बारे में। तो उनके बारे में महिमा जागनी चाहिए कि जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्य आदिकों ने उन ग्रंथों से, किन ग्रंथों से, जो जिस ग्रंथ ग्रंथ रूपी महान दीपक का गंधर्व देवों आदि ने उद्योत किया था, उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए, और फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए, कि जो गंधर्व आदि ने अंग प्रकीर्ण आदि रूप ग्रंथ रचे, उनके द्वारा आचार्य आदिकों ने अन्य ग्रंथ बनाए, और फिर उन ग्रंथों से अन्य आचार्य आदिकों ने अन्य ग्रंथ बनाए, इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तती है, कि जो ग्रंथों की परंपरा है वो इस प्रकार से प्रवर्तती है। मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूँ। देखो पंडित जी हर जगह यह मेंशन कर रहे हैं कि यह ग्रंथ मैं अपनी बुद्धि से नहीं बना रहा हूँ, पूर्व ग्रंथों के अनुसार बना रहा हूँ, कि ग्रंथ की प्रामाणिकता में तो एक एक चीज खोल के बताई दी, और यहाँ भी देखो वही एक प्रामाणिकता ही बता रहे हैं। इस लाइन से ग्रंथ की प्रामाणिकता ही पता चलती है कि मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूँ, मैं अपनी बुद्धि से सोच समझ के, ऐसा नहीं कि अपनी बुद्धि से कुछ भी बना रहा हूँ, नहीं, पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूँ। देखो पंडित जी पहले कह के आए हैं कि मैं तो मंद बुद्धि हूँ, लेकिन मुझसे भी जो मंद बुद्धि है, मुझसे भी जो हीन बुद्धि के धारक हैं, वो भी ऐसे अर्थों को जाने, ऐसी इच्छा से मैं यह सुलभ भाषा में ग्रंथ बनाता हूँ। पंडित जी ने अपनी बात में लिखा था ना, जहाँ ग्रंथ की प्रामाणिकता आई थी वहां पे। तो भाई पंडित जी यहाँ भी बोल रहे हैं कि मैं भी जैसा दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है, तो मैं भी उन्हीं दीपकों से, जो दीपक अब तक जल रहे हैं, उन्हीं दीपकों से एक दीपक और जला रहा हूँ। तो जो पूर्व के ग्रंथ हैं, उन्हीं ग्रंथों से मैं यह ग्रंथ बना रहा हूँ। ऐसी पंडित जी यहाँ ग्रंथ की प्रामाणिकता भी बता रहे हैं। लेकिन देखो अभी यहाँ पे ये पैराग्राफ तो ज्यादा हो जाएगा, इस पैराग्राफ को वे पढ़ लेते हैं, फिर कर लेते हैं इसको। पुनश्च जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं, वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ हैं, वे मुच्छ मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। सो यह भी ग्रंथ मुच्छ मार्ग को प्रकाशित करता है। पंडित जी हैं ये कह रहे हैं कि यह जो ग्रंथ है वो भी मुक्ति के मार्ग को ही बताने वाला है। इस चीज को पंडित जी यहाँ बोल रहे हैं, इसको और विशेष हम कल समझेंगे, अभी समय हो गया है। अभी किसी को कोई शंका हो यहाँ तक तो पूछ लें। नहीं है? देखो इस चीज से ना हमें ये, इस चीज में पंडित जी ग्रंथ की प्रामाणिकता ही बता रहे हैं। देखें तो हम कि ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है, इसी ग्रंथ से हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो रही है, वो सारी चीजें बता रहे हैं। हाँ अरुण भैया कुछ पूछ रहे हैं क्या? जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते मूढ़ हो। सो वाणी मस्तक नमो सदा देते मूढ़ हो, सदा देते मूढ़ हो। पंच पमिष्टि स्मरण पूर्वक नौवा नमोकार मंत्र।